सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, कैलकुलेशन का महासंग्राम। भाई अगर आपको स्पेशल बनना है तो कुछ स्पेशल करना ही पड़ेगा। अब मैं इस वीडियो में लेके आया हूं कैलकुलेशन ट्रिक्स जो कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके सीखते हैं। बट अगर हमें बोर्ड एग्जाम में 80 out of 80 लेने हैं या फुल मार्क्स लेने हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, एग्जाम में टाइम कैसे सेव करना है। तो कैलकुलेशन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन होगी या अदर कैलकुलेशन होगी। तो अगर आपको मैं यहां पर सीजी फाउंडेशन में जो भी होता है सिर्फ ये नहीं है कि प्रेजेंट के लिए होगा, नाइन्थ वाले बच्चे उनके लिए भी वीडियो है, टेंथ वाले उनके लिए भी वीडियो है, और अगर एट्थ वाले भी अभी से ये चीजें सीख ले तो आप फ्यूचर में कमाल करने वाले हो। जो एनटीएससी ओलंपियाड या कॉम्पिटिटिव क्रैक करते हैं वो कुछ स्पेशल करते हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं कैलकुलेशन ट्रिक्स, बहुत बढ़िया 25 से 30 कैलकुलेशन ट्रिक्स करेंगे। और फ्रेश माइंड से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अपने नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा। स्पेशल बनना है तो स्पेशल करना पड़ेगा, टाइम सेव करना है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी ये चीजें स्कूल में पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आऊंगा। वाकई में स्कूल लेवल में ये चीजें आप नहीं सीखोगे। स्कूल लेवल में आप सिलेबस की टेंशन में पड़े रहते हो, सिलेबस करते रहते हो। बट I am also a maths teacher. It has been 10 years to me teaching mathematics. तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट पे बच्चों को वीकनेस फील होती है और कहाँ उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम टाइम सेव करेंगे कैलकुलेशन में, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है और मैथमेटिक्स में बढ़िया स्कोर करना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें करेंगे। देखो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आप 1 to 30 स्केयर लर्न कर लो, इसको बिल्कुल टिप्स पे कर लो, और कम से कम 1 to 15 क्यूब आपके माइंड में होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे 9th-10th क्लास है, फिर आप एनटीएससी ओलंपियड की तैयारी करोगे या कॉम्पिटिटिव की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लिया कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ होते हैं वो 1 घंटे में 20 ही कर पाते हैं। वो क्या रीजन होता है, वो यही रीजन होता है कि वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। क्लियर? तो 1 to 30 स्केयर क्यूब और 1 to 20 जो टेबल्स हैं वो लर्न आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। आगे अगर आपको ये नहीं भी आता तो मैं आगे सॉल्यूशन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट ट्रिक से हमारी। फर्स्ट मैं आपको देता हूं, मैंने आपको बोला था कि 1 to 30 स्केयर लर्न करने हैं, बट आपको 1 to 30 नहीं लर्न हो रहे हैं, वैसे तो करने हैं। मैं यहां पर आपको सबसे पहले सिखाऊंगा 1 to 100 स्केयर कैसे लर्न करें। इसकी ट्रिक है, इसको ध्यान से समझना, हर एक चीज को कंसेप्ट से करेंगे। अभी एक फर्स्ट वीडियो लेके आया हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और कैलकुलेशन पे सेकेंड पार्ट चाहिए। वो सारी आपके आपके लिए यहां पर सीजी फाउंडेशन में बढ़िया से बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। पहले मैं करता हूं 1 to 100 स्केयर में, नियर टू 100 की बात करते हैं। सबसे पहले नियर टू 100, सपोज मैंने लिखा 97 स्केयर और इसका आंसर आएगा 09409, ये इसका फाइनल आंसर है। कितने सेकंड लगे आपको, पेन भी उठाने की नीड नहीं है आपको, कितने सेकंड लगे आपको। अब देखो कैसे करेंगे, ये 97 का स्केयर करना है, ये 100 से कितना लेस है, 100 से ये 3 लेस है, 3 लेस है ना 100 से, तो 3 का स्केयर क्या होता है, 99 ही लिखेंगे, 09 लिखेंगे, और इस 3 को 97 में से माइनस कर देंगे तो 9409 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? एसएससी सीजीएल फ्यूचर सबके लिए काम आते, और 9th-10th में तो आपको सीख लेनी चाहिए ये बातें। स्पेशल बनना है तो स्पेशल करना पड़ेगा। मान लिया आपको 96 का स्केयर करना है, 9600 से कितना लेस है, 4 लेस है, तो 4 का स्केयर 16 और इस 4 को 96 में से माइनस कर दो 9216, ये आपका आंसर। कमेंट करिएगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं और करते हैं। जैसे मान लो आपको अब आपके लिए क्वेश्चन है,
आपके लिए क्वेश्चन ये है 93 का स्क्वायर, ये आपने करना है। अब मान लिया थोड़ा सा ज्यादा ये नंबर आ गया, ज्यादा दूर आ गया, मैं नियर टू 100 की बात कर रहा हूँ, फिर मैं नियर टू 50 की बात करूंगा, फिर मैं रैंडम सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जहां जहां पे जो यूज कर सकते हैं उसको करो। 89 का स्क्वायर करना, 100 से 11 कम है, अब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 का टू डिजिट लिखेंगे, 21, 1 हमारा कैरी चला जाएगा। अब 89 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89 में से 10, 79 और 1, 78, और ये 1 जो कैरी है ऐड हो जाएगा, 7921 इज द फाइनल आंसर। दोबारा से बता देता हूं, टेंशन मत लो, तभी बोल रहा हूं 1 to 30 तो स्केयर लर्न कर ही लो, नहीं भी हो रहे हैं तो रैंडम मेथड भी दूंगा, टेंशन मत लेना। 89 का स्केयर करना है, 89, 100 से 11 कम है, 11 का स्केयर 121 हो गया, है ना, हो गया। अब 121 का टू डिजिट लेंगे, 21, ये जो 1 है ये कैरी में जाएगा, ठीक है। अब 89 इस नंबर में से 11 माइनस कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि जितना कम होता उस नंबर में से माइनस कर दो, 89 में से 11 माइनस हुए 78, प्लस 1 79, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेना भाई, कभी मैं गलत बता रहा हूं तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब अगर यही ट्रिक आपको थ्री डिजिट में करनी पड़े, नियर टू 100 की बात कर रहा हूं, फिर मैं अभी नियर टू 100 है, फिर आगे भी और एक्सपेंड करूंगा आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो, नेक्स्ट वीडियो भी आपकी डिमांड पर होगी। 107 का स्केयर करना आपको, अब ये 100 से कम नहीं है, ये 100 से 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7, 7 का स्केयर 49, और इस 7 को इसमें ऐड करना है क्योंकि ये ज्यादा है, वो कम था, तो 107 प्लस 7 114, दिस इज योर फाइनल आंसर, इज इट क्लियर। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 103 स्केयर, तो 3 ये कितना ज्यादा 100 से, 3 का स्क्वायर 9, तो हम लिखेंगे 09, इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे 106, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेना भाई, कहीं मैं गलत बता रहा हूं। तो ये था नियर टू 100, ये फर्स्ट हो चुका है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नियर टू 50, उसको कैसे लर्न करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। जैसे मान लो आपको 47 का स्क्वायर करना है, ठीक है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी 47, अब 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09, समझ आया, 09। अब इस 3 को इसमें से नहीं माइनस करेंगे, यहां पे थोड़ी सी ट्विस्ट है, जो भी नंबर है उसको 25 में से माइनस करेंगे। नियर टू 50 में थोड़ी सी ट्विस्ट है, ये वाला तो सेम ही है जो पहला स्टेप है, दूसरा जो नंबर कम होता है वो इस नंबर में से नहीं माइनस करेंगे, 25 में से करेंगे, 25 माइनस 3 22, ये 2209 इज द फाइनल आंसर, इज इट क्लियर। और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा 46 का स्क्वायर, ठीक है, 46 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये कितना कम है, 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, इस 4 को 25 में से माइनस कर दो, 25 में से 4 21, 2116 इज द फाइनल आंसर। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप करिएगा 41 का स्क्वायर, ठीक है, इतना मैं आपको आगे करवाता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है आपके लिए, इतनी मेहनत होती है तो आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 38 का स्केयर है, इस चीजों में भी घबराना नहीं है, अब ये 50 से 12 कम है, 12 का स्केयर होता है 144, बट हम 144 नहीं लेंगे, हम इसका सिर्फ 44 लेंगे, 1 कैरी में रहेगा। अब ये 12 किस में से माइनस होगा, 25 में से, 25 में से जब 12 माइनस होगा कितना बच जाएगा, 13, और 1 ये कैरी था, 13 और 1 14, तो ये आंसर आ जाएगा 38 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, आप नियर टू 50 तो कर ही सकते हो, आप नेक्स्ट वाली लाइन तक के भी कर सकते हो, बट सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा भाई 1 to 30 स्क्वायर और एक क्यूब, ये चीज तो कर ही लो, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये जो चीजें हैं स्कूल लेवल पे नहीं सिखाते, क्या सिलेबस और वो करवाते हैं, क्योंकि इतना टाइम बच्चे भी नहीं समझते, बट अगर कुछ बच्चे स्पेशल बनना चाहते हैं तो ये चीजें मैं कह रहा हूं 9th-10th में समझो, ताकि मैं कह रहा हूं 8th वाले भी करो इसको, ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कमाल कर सको और अपने बोर्ड में कैलकुलेशन सेव कर सको। मैं 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर वो चीज कर रहा हूं जो बच्चों को स्ट्रांग बनाए
और ये उसका पार्ट है। जब आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग लेते हो वहां सिखाते हैं, अगर स्कूल लेवल में ये चीजें होने लग जाए भाई कमाल ही नहीं हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लिया आपको 56 का स्केयर करना है, ठीक है। अब 56 ये 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्केयर 36 लिखा। अब इस 6 को किसमें ऐड करना है, 25 में ऐड करना है। 25 प्लस 6 31, 3136 इज द फाइनल आंसर। यहां ध्यान रखना, यहां 25 की ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है यहां पर, ये चीज ध्यान रखना। होपफुली आपको 50 की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट कर दो, आपके डाउट्स की स्पेशल सी वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के जो डाउट्स होंगे। अब आगे चलते हैं भाई। आपने नियर टू 100 समझ लिया, नियर टू 50 समझ लिया, अब क्या होगा बाबू मोशाए, ये इनका क्या होगा? ये कह रहे सर मेरा क्या होगा। भाई जो नियर टू 100 है ठीक है, नियर टू 50 ठीक है, बट ये जो बाकी बचे रैंडम, सर हम कहां जाएं, हमारे बारे में सोचो। इससे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूं फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, अब 72 का स्केयर करना। मान लो आपको 72, ये रैंडम है, ये ना तो 100 के पास है ना ये 50 के पास है, मान लिया रैंडम है। तो इसका कैसे करेंगे, इसका यूनिट प्लेस है 2, 2 का स्केयर 4 लिखा, सिर्फ सिंगल 4 लिखेंगे, फिर इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 का 8 लिखेंगे 2 कैरी, फिर जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 7, इसका स्केयर 49 और 2 51, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ नहीं आया दोबारा समझाता हूं, देखो कैसे। पहला स्टेप 72 का स्केयर है, जो यूनिट प्लेस है उसका स्केयर कर दो, 2 का स्केयर क्या होता है 4, यहां पर 4 लिख दिया। दूसरा स्टेप इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, बट 28 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे 8, 2 कैरी में रहेगा। फिर क्या करेंगे लास्ट स्टेप, ये यूनिट प्लेस है 7, इसका स्केयर 49, 49 में 2 कैरी बचा हुआ है 1, ये 2, 49 और 2 ये 51, ये ऐड हो जाएगा, तो 5184 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट भाई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, 64 का स्केयर करना है आपको, मान लिया। अब देखो, अब 64 का स्केयर देखो, ये यूनिट प्लेस है 4, 4 का स्केयर 16 होता है, बट आप 16 नहीं लिखोगे 6 लिखोगे, ये कैरी में जाएगा, सिंगल डिजिट लिखनी है ध्यान रखना। फिर 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और 1 ये वाला कैरी 49 हो जाएगा, तो इसका 9 लिखेंगे 4 कैरी में। अब ये लास्ट वाला डिजिट है 6 का स्केयर 36 और यहां पर 4 हो गया 40, तो 4096 इज द फाइनल आंसर। ये रैंडम स्केयर है, रैंडम, इज इट क्लियर। अब 87 का स्केयर करना, वैसे तो 87 आप उसी तरीके से कर सकते हो नियर 200 वाले से, बट आपको जो ठीक लगे वैसे कर लेना। 7 का स्केयर 49, 49 का हम 9 लेंगे, 4 को हम कैरी रखेंगे, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 और ये 4 कितना हो गया कैरी ऐड, 116 हो गया, 116 का 6 लिखेंगे, 11 कैरी में रहेगा। अब ये यूनिट प्लेस है 8, 8 का स्केयर 64, 64 प्लस 11 75, देन 7569 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, ये वैसे भी हो सकता है दूसरे मेथड से, देखो नियर टू 100 वाले से 87 का स्केयर करना है, 100 से कितना लेस है 13, 13 का स्केयर कितना होता है 169, तो आप यहाँ पे 69 लोगे, 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट लेने हैं और 1 कैरी जाएगा, तो इस 87 में से 13 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 77 और 74, 1 कैरी है ये 75 हो गया, 74 तो इसमें से बचा 1, ये ऐड हो गया 75, तो भी यही आएगा। अब दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जब नियर टू 100 से आसान लगे वो कर लो, और जब रैंडम आसान लगे तो वो कर लो। इस तरह से आप नियर टू 100 कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो लेट मी हैव अ पानी, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती थी मेरी नानी कि मेरी आदत है पुरानी कि पीते जाओ पानी। क्या बात है, कई बार ना मेरे अंदर अनुमानी आ जाता है। अब स्केयर एंडिंग विद डिजिट 5, अब 35 है, इसका स्केयर करना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, पहले तो 25 लिख दो, बस लिखना ही है 25 तो लिखना है यार, लिखना बस। फिर जो यूनिट प्लेस टेंस प्लेस है, सॉरी ये टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है भाई, टेंस प्लेस समझना इसको। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यूनिट प्लेस कह के समझाया हो तो आप ये समझना मेथड क्या है, ठीक है। ये तो आपको पता ही हो टेंस प्लेस है, ये जो टेंस प्लेस है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नेक्स्ट नंबर से। 3 के बाद आता है 4, 3 4 12, दिस इज योर फाइनल आंसर 1225। अब 75 का स्केयर करना है, 25 लिखेंगे, 7 का जो नेक्स्ट नंबर है 8, तो 7 8 जा 56, 5625 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, यहां तक हो गया। अब मान लिया 85, ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 25, अब ये नेक्स्ट नंबर इस 8 का नेक्स्ट क्या, 9 8 9 जा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपके लिए है कमेंट बॉक्स में राइट करना कि 95 का स्केयर, नियर टू 100 भी कर सकते हो, तो वैसे 5 वाले मेथड से भी कर सकते हो, 35 का स्केयर, ये सारे आपको आंसर राइट करने, ठीक है, मैं आपके साथ साथ हूं। अब मान लिया अगर 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, यस, आपको 125 का स्केयर करना है, 25 लिख दिया तो 5 तो छोड़ दिया, ये तो 25 लिख दिया, उसके बाद जो नंबर बचा है 12 बचा, 2 डिजिट में 1 बचता था, अब 3 डिजिट में ये 2 बचे, तो इससे नेक्स्ट वाला 13 होगा, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं एक मिनट के लिए वीडियो रोक रहा हूं, तो आगे चलते हैं भाई, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब 85 का स्केयर, ये तो आपके लिए आप कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जैसे ही कैलकुलेशन है, मान लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन आ गया, रैंडम कैलकुलेशन आ गई, आपको कैसे करनी है कैलकुलेशन, किस चीज की नीड पड़ेगी इसमें, देखिए ये 2 0 है, इसको तो साइड में रख दो, इसको साइड में रख दो, ये बन जाएगा 3 1 और 3 2 जा, 12 बन गया, ये 24 है यहां पर मेरे पास, इसको मैंने 24 ही रखा, चलो ये मैं जो 22 है ना, मैं इसको 2 × 11 कर लूंगा। अब आपको यहां पर किस किस चीज की नीड पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं तो 22 आता है, और 22 में आपको उसको 11 बनाना है, क्योंकि 11 से जो मल्टीप्लाई है वो बड़ी आसान है, तो 22 को आप 11 बना सकते हो, उससे आप कर सकते हो। देखो कैसे, यहां पे मैं आपको बताता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी 0 तो रखी साइड में, ये 12 2 ये 24 बना लिया, 24 ये बना, कैलकुलेशन करनी सीखो, 24 ये बना लिया, 24 ये बना, 24 का स्केयर हमें आता है कितना, 576, तो 576 लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 11 बच गया, डिवाइड बाय 7 है। अब मैं आपको 11 की भी ट्रिक सिखाऊंगा, 7 की भी ट्रिक सिखाऊंगा, जब सारी चीजें सीख जाएंगे तो क्या मुश्किल होगी, कैलकुलेशन करना सीखो। अब यहां पर बच्चे क्या करते, 12 को 24 से करते, भाई सीधा देखो इसको 24 बना लो, 24 का स्केयर हो गया ये, ठीक है। अब 11 के साथ मल्टीप्लाई हमने सीख लिया, 11 से मल्टीप्लाई की क्या ट्रिक होती है, जैसे मान लिया ये नंबर है 3 2 1, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आएगा 5 3 1, चेक कर लेना ये आंसर। ऐसे ही पहले मैं आपको 11 की ट्रिक सिखाता हूं, 7 की ट्रिक सिखाता हूं, फिर इसकी कैलकुलेशन को हम करेंगे, बट 11 की तो अभी सीख लो, जब आई है तो सीख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अभी सीख लेते हैं 11 की। 11 की कैसे करते हैं, जैसे मान लिया 32 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो ये सिंगल डिजिट 3 लिखेंगे, फिर 3 + 2 = 5 नेक्स्ट डिजिट, और फिर लास्ट डिजिट, दिस इज योर फाइनल आंसर। मान लिया आपको 3 1 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 + 1 = 4, 1 + 5 = 6, और ये 5 हो गया, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, कोई डाउट यहां तक। अब केस आता है कैरी का, मान लिया आपको कैरी मिनाटी नहीं, कैरी का केस आता है, जैसे मान लिया ये है,
ठीक है। अब देखो 5 लिखा, 5 और 3 8, 3 और 8 11 बनेगा, तो 11 का 1 यहां लिखेंगे, 1 पिछले डिजिट पे कैरी चला जाएगा। जब दो डिजिट हो तो 1 पिछले डिजिट पे कैरी चला जाता है, और लास्ट में ये 8 लिखेंगे, तो अब ये 8195 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको कि अब इसको करके देखोगे 11 से। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 672 हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे, कुछ काले से को कौन याद करेगा। 6 6 प्लस 7 13, ये 1 यहां चला जाएगा कैरी, फिर 7 प्लस 2 9, और लास्ट में 2, और ये 7, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये 11 की ट्रिक सीख लो, कैलकुलेशन में तो काम आएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी काम आएगी। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, तुम्हें स्क्वायर आते थे, स्क्वायर तुमने फटाफट कर लिया, तुम्हें 11 की ट्रिक आती तुमने फटाफट कर ली। देखो 24 का तुमने स्क्वायर बना लिया, 576 बन गया, फिर तुम्हें 11 की ट्रिक आती है, देखो 5 5 7 12 1 7 और 6 13 3 1 और लास्ट में 6, 6 3 3 6 6। अब 7 से डिवाइड करने की भी सिखा दूंगा, बचेगा क्या चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, बचेगा क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो 7 से जब मैं सिखाऊंगा फिर आगे चलते हैं, हमारे पास ये 6 3 3 6 आ चुका है, ठीक है, ये 7 की ट्रिक है, आगे करेंगे। फिलहाल इस तरह को आप ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन में ऐसे टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कमेंट कर देना, मैं वो चीज आपको दोबारा करवा दूंगा, वरना आप लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट है 16, इसका तो आपको पता है 4, 25 है इसका आपको पता 5, अब क्या करें अगर 23 आ जाए, फिर क्या करें, फिर क्या करें अगर ये आ जाए तो, कई बार अनुमलिक आ जाता है। तो आपको एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा सुंदर सा सुशील सा एक फॉर्मूला याद करना है, रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। सर ये वाई एक्स क्या है, ये क्या है एक्स और वाई, जरा रुको रुको जरा रुको, एक्स और वाई है क्या, 23 है, इसको मैं 25 माइनस 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो ये काम करेगा एक्स का और ये काम करेगा वाई का, और साइन ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, अगर माइनस आया तो माइनस का साइन लेंगे, प्लस आया तो प्लस का, क्योंकि आपको क्या देखना है इसके आसपास स्क्वायर कौन सा है, आसपास स्क्वायर रूट कौन सा है, 23 के आसपास 25 है, तो मैं इसको 25 माइनस 3 लिख सकता हूं, मैं इसको 16 प्लस 7 भी लिख सकता हूं, तो भी 23 होगा। अब इस केस में x ये हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस का साइन लेगा, तो जिस भी स्क्वायर रूट के आप पास लोगे, प्लस का साइन लेना तो प्लस का साइन है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस, एक्स वाई क्या होंगे, ये नंबर होंगे, जैसे मैं इस एग्जाम्पल से लेके चलता हूं, ठीक है। अब ये चीजें आ जाती हैं पेपर में, फिर बच्चे क्या करें भाई, फिर कंफ्यूज हो जाए, अभी मारो प्रैक्टिस ताकि फ्यूचर में क्रैक कर दो एग्जाम सारे, और 9th 10th में भी स्पेशल आग लगा दो बस। अब एक्स ये है रूट एक्स, रूट 25 माइनस वाई कितना है मेरा 2, वाई का काम ये 2 कर रहा है, अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स कितना है 25, यहां तक कोई डाउट, सेम एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, रूट 25 5 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1, और ये रूट 25 कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 बाय 5। अब मैं यहां पर आपको 24 बाय 5 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4.8, कैसे 4.8, ये चीज भी सिखाऊंगा आपको ट्रिक से कि 5 से डिवाइड की ट्रिक भी क्या है, जस्ट नंबर को डबल कर दो और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, जैसे 24 आया इसका डबल क्या होगा 48 होगा, बस एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर। हर चीज हम कर सकते हैं आसानी से, हम सीख रहे थे स्क्वायर रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर का, उसके अंदर 5 की ट्रिक भी आ गई, तो हमें आती है भाई, क्या दिक्कत क्या है, सीजी फाउंडेशन के साथ चल रहे हैं ना, क्या ही दिक्कत है। तो ये चीज मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, आगे और नंबर्स होंगे उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी फिलहाल इतना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
लेट मी चेक द कैमरा, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, फिर आगे चलते हैं। अब रूट 72 क्या करेंगे? अब 72 देखो ये किसके पास है, ये 81-9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 81 इसके पास स्क्वायर रूट है, और इसको 64+8 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो पीछे मैंने माइनस वाला केस लिया था, क्या कह रहे हो सर, प्लस वाला केस ले लो, तो मैं ये ले लेता हूं, आप इससे ट्राई करना। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। अब x का काम ये कर रहा है, वाई का काम ये कर रहा है, प्लस का साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रूट 64 प्लस y कितना है यहां पर, 8 है, 8 अपॉन 2 रूट 64। अब देखो रूट 64 8 प्लस 8 बाय 2 इंटू में ये भी 8 है, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 बाय 2 8 रुपए में आधा जोड़ दो तो ये 8.5 अप्रोक्स आएगा, 8.5 अप्रोक्स लिख सकते हो, कोई गलती नहीं करेगा आपका एग्जामिनर भी। अभी से ये चीजें सीख लो, कॉम्पिटिटिव में आग लगा दोगे, एनटीएससी ओलंपियाड, अपने 9th-10th में भी आग लगा दोगे यार, जो 9th-10th का एग्जाम होगा उसमें भी फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। अब टॉप करते हैं, वर्ल्ड में टॉप करते हैं, क्या करना, 100 out of 100 ही लेने हैं, 100 out of 100 ले लिए फिर तो पूरे वर्ल्ड में टॉप हो गया, और उससे ज्यादा क्या। अब out मार्क्स लेने के लिए हर चीज का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कैसे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, कैलकुलेशन में कैसे टाइम सेव किया जाता, हर चीज करनी है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया क्लियर। अब आपके लिए है, आप घर से करोगे, आप रूट मुझे 31 का करके दिखाओगे, और आप मुझे रूट 19 का करके दिखाओगे, और रूट 84 का करके दिखाओगे, ये आप करेंगे, और जो आप आंसर आएगा आपका अप्रोक्स आंसर आएगा। जैसे अब मान लिया मेरा जो रूट 72 था उसका 8.5 अप्रोक्स आया, और कैलकुलेटर से आप करोगे 8.48 समथिंग आएगा। अब 8.48 को आपने छोटी क्लासेस में सीखा था, अगर थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है इस वाले में, तो ये लगभग 8.5 अप्रोक्सी आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लेनी, हमें यहां से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पता लग जाएगी। और ऐसा नहीं है यूज नहीं हो रही, ये चीजें यूज हो रही है, 9th-10th में हो रही है, तभी मैंने बताई है। और भाई जो SSC और CGL की प्रिपरेशन करते हैं वो सारे भी चीजें करते हैं, और जो NTS और ओलंपियाड की तैयारी करते हैं उनको भी आनी चाहिए, तो आपको आनी चाहिए मैथ का महारथी बनना है। तो अब स्क्वायर रूट ट्रिक करते हैं, पहले था नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक, अब स्क्वायर रूट की ट्रिक करते हैं। मान लिया ये नंबर है 6561, ये इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है सेकेंड्स में, क्या आएगा, ये टू डिजिट का पेयर बना ला, बाकी जो बचे उसको छोड़ दिया। पहले आपको क्या करना है, टू डिजिट का पेयर बनाना है, ये इसके पीछे 1 है, ध्यान से समझो चीज, ये जो पेयर बनाया इसके पीछे 1 है, तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे। अब 1 कैसे आता है, 1 या तो 1 के स्क्वायर से आता है या 9 के स्क्वायर से आता है, तो यहां पर जो नंबर आएगा इसके स्क्वायर रूट में जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। पहला स्टेप समझ आया, पहला स्टेप क्या है, पहले आपको ये पेयरिंग करनी है, ये सिर्फ इसकी पेयरिंग करनी है, बाकी जो बचा है वो सारा जाएगा, सिर्फ इसकी पेयरिंग करनी है एक नंबर की, बाकी जो बचा एक लाइन लगा दो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, पहले इसको देखना है, ये 2 digit की पेयरिंग। अब यहां पर 1 है तो ये देखना है ये 1 किसके स्क्वायर से आता है, 1 या तो 1 के स्क्वायर से 1 आता है या 9 के स्क्वायर से यूनिट प्लेस पे। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा,
तभी तो इसका स्क्वायर होके ये बनेगा, वन आएगा पीछे पहला स्टेप। दूसरा, अब ये 65 देखो किसके बीच में है, ये 65 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में, तो जो छोटे वाला है वो लेंगे, टेंस प्लेस पे 8 आ जाएगा। यहां तक समझ आया? अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम 1 ले या 9 ले, जो टेंस प्लेस पे आया उससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72। अब अगर ये वाला नंबर, ये जो नंबर पड़ा है इससे छोटा है, ये वाला नंबर इससे छोटा है तो छोटा डिजिट लेंगे, बड़ा है तो बड़ा। अब यहां पर 65 है, 72 से छोटा इसलिए 1 लेंगे 81। अब मान लिया यहां पर 75 होता तो 75 72 से बड़ा है इसलिए यहां पर 9 लेते, अभी छोटा है। तो ये मेथड है आपको निकालने का स्क्वायर रूट। अभी एक क्वेश्चन है, दूसरा भी करवाऊंगा उसमें समझ आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा तो मत ही लेना, इतना सुंदर नहीं हूं। चलो आगे चलते, मेरा गम इतना। अब देखो और कई बार अनुमा निकाल रहा था, क्या करो, ये पेयरिंग कर दी पीछे से, बाकी जो बचा सिंगल नंबर में ले लो उसको, चाहे 2 बचते 2 3 बचते 3। अब यहां पर देखो, यहां पर 4 है, 4 या तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा या 8 का स्क्वायर करने से 4 आएगा। तो यानी जो मेरा यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा यहां पर या तो 2 आएगा 8 आएगा, समझाई बात। अब ये देखना आपको 4, ये जो 4, ये 4 2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने से भी 64 आता है, तो ये बात पता चल गई आपको। ये देखना 4 कैसे आएगा 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर से, तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इज इट क्लियर? चले आगे। अब देखो, अब ये टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 10 बचा है, 10 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 10 कहां है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो छोटे वाला लेंगे यानी 3 ले लेंगे। यहां तक समझाया? अब इसका सक्सेसर एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 आएगा, ये वाला नंबर 12 से छोटा है इसलिए छोटा नंबर लेंगे, तो 32 इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है, और जब आप इस चीज को समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी अपने पिछले चैनल पर, ठीक है, डीप नॉलेज क्लासेस के नाम से पिछला चैनल था, उसमें भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इसकी कैलकुलेशन, बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं माइंड में कर रहे हैं बिना कॉपी पेन के, तो भाई आप ये कर सकते हो विदाउट कॉपी पेन अच्छे से। अब देखो, अब देखो 3 9 6 9 है, क्लियर? अब इसका कैसे फाइंड करेंगे? अब यहां पर यूनिट प्लेस पे यहां पर 9 है, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें 9 कैसे आता है, 9 या तो 3 का स्क्वायर करूं तो या 7 का स्क्वायर करूं तो, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। टेंस प्लेस पे क्या आएगा, आगे जो बचा 39, 39 किसके बीच में, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इसके बीच में, तो 6 जो छोटे वाला है वो लेना है और इससे बढ़ाकर एक नंबर मल्टीप्लाई करके देखो, 6 7 जा 42, ये वाला नंबर 42 से छोटा है तो छोटे वाला लेंगे, 3 लेंगे। अब बाय चांस ये 49 होता तो 49 42 से बड़ा है तो हम 7 ले लेते, 67 आंसर आता, बट इसके अकॉर्डिंग 63। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15625। ठीक है, अब 15625 जो, अब क्या करेंगे, पेयरिंग, ये 2 डिजिट की पेयरिंग पर कर दी, बाकी जो बच गया उसको सिंगल पेयरिंग में ले, मतलब बाकी उसको सिंगल नंबर में लेंगे, हमें सिर्फ ये 2 डिजिट का एक पेयर बनाना, बाकी जो बच गया उसको एक अलग से नंबर लेंगे, ठीक है। अब ये पीछे 25 है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, ये फिक्स है,
क्योंकि 25 है तो 25 पीछे 5 कब आएगा, सिर्फ अगर 5 का स्केयर करें तो ही 25 आ सकता है, वैसे नहीं आएगा, तो इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, ये तो फिक्स है। अब बच गया 156, 12 का स्केयर करो तो 144 आता है, तो भाई ये 12 के स्केयर के बीच में आ रहा है, तो छोटे वाला कौन सा है 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12, तो 125 इज द फाइनल आंसर। ये था, बिना पेन उठाए आप ये कर सकते हो, मेरे ट्यूशन पे कोचिंग सेंटर पे मैं कम इस चीज की प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों से बिना कॉपी पेन के, और वो करते हैं, और अगर इतना माइंड लेवल हो गया तो क्या ही पेपर मुश्किल लगेगा यार। तो ये था स्केयर रूट ट्रिक, तो इसी बात पे मुझे पानी पीना, लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती थी मेरी नानी कि मौसम है सुहानी, स्क्रीनशॉट ले लो ना फिर आगे चलते हैं, चलो भाई फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आ गया भाई, एक कौन है, कौन की ना स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट ये है, ये निकालनी है ये, और आपको ना हाइट दे रखी है 12 और रेडियस भी दे रखी है 3.5, तो आपको स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला ये होता है, यहां पर पाइथागोरस लग जाती है, मैं यूज करने भी सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आपके कहां यूज होंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम में तो यूज होंगी, बाकी भी इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है चैनल पर, सरफेस एरिया वॉल्यूम कैलकुलेशन की बहुत बढ़िया वीडियो है, चैनल पर जाकर देखना, वरना मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में। अब देखो स्लॉट हाइट है, ये एल होती है, ये एच होती है, ये आर होती है, जैसे मेरा बर्थडे है, बर्थडे पे जो मैं कैप पहनूंगा, अभी 20 साल का हुआ मैं, लगता 15 का हूं बस वैसे थोड़ा सा, तो क्या कह रहे हो सौरभ, आप तो 55 के लगते हो, चलो छोड़ो। अब यहां पर ना एक ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, इसलिए जो स्लॉट हाइट का स्केयर है ना वो हाइट के स्केयर और रेडियस के स्केयर के बराबर हो जाता है, तो एच स्केयर प्लस आर स्केयर, मतलब एक तरह से आपको ये देखना है, जो 8th क्लास में अगर वो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा ही होगा, 9th वालों को तो पता ही है, 10th वालों को पता ही है, कौन है ये स्लॉट हाइट होती है, और ये जो स्लॉट हाइट होती है ना तिरछी ऊंचाई, इसका स्केयर, ये हाइप, आप ये सोचो भी एक हाइप, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज स्केयर, एल का स्केयर इज इक्वल टू एच का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर। अब आपको एच और आर दे रखे हैं और आपको एल निकालना है, एमसी क्या हुआ आ गया, एमसी क्या होगी आएंगे, कंसेप्ट आ गया एक नंबर का, आपको करना आना चाहिए फटाफट। देखो एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर, एच कितना है 12 का स्केयर, आर कितना है 3.5 इसका स्केयर, और भाई इज इक्वल टू एल स्केयर। अब ये कैसे होगा भाई, 12 का स्केयर हमें पता है 144 होता है, अब 3.5 का स्केयर, 3.5 का स्केयर, 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूं, 10 का स्केयर तो नीचे 100 आ जाएगा, 35 का स्केयर मैंने आपको बताया क्या, 5 5 जा 25 लिख के और 3 4 जा 12 हो जाएगा उससे नेक्स्ट वाले नंबर से, अभी पीछे बताया तो 1225 हो जाएगा। अब नीचे 10 का स्केयर 100 आया था, बट दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट, तो मैंने निकाल लिया कि 3.5 का स्केयर 12.25 आया, कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, साफ पता है आपको। अब ये 144 प्लस 12.25 ये 156.25 होएगा, इसका स्केयर रूट फाइंड करना आपको, इसका स्केयर रूट क्या आएगा, अभी आप मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अभी किया हमने 15625 का स्केयर किया 125, तो 125 हमें पता है, अब मेरी बात सुनो, अगर इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, 100 का जो स्केयर रूट होता है 10, तो इसके नीचे 10 आएगा, तो ये 12.5 बन जाएगा ये फाइनल आंसर। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, स्केयर पता होना चाहिए, 35 का स्केयर की ट्रिक क्या होती है करके नहीं देखना, ठीक है, फिर 15625 है पॉइंट है यहाँ पे, चलो 100 को नीचे ले जाओ, इसका तो पता है मुझे 125 होता है, मैं निकाल के थोड़ी देखूंगा आप इसको 15625 को, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी करूंगा या मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ी करूंगा यार, बस इसको क्या करना है, इसका पता है 125, 100 का 10 होता है तो ये 12.25 होगा, प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजी हो जाएगा।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई विद 11, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, आपके लिए क्वेश्चन है 3572 मल्टीप्लाई 11, ये आपको करना है, ठीक है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलेशन आ गई, दो इसको सॉल्व करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। इसको 7 काट दो, और भाई और क्या हो सकता है, 1 7 काट दिया तो उधर से 2 7 जा 14 और प्लस 10, ये बच गया 24, ये 24 बन गया, तो ये 3 से कट गया 8, ये कट गया। अब देखो ये 22 बचा, 22 बचा, मैं 22 को 2 into 11 लिख दूं, और इसको मैं 7 है और ये 8 है, ये लिख दिया बस। अब यहां पर मैं 11 की ट्रिक यूज करूंगा, 7 8 जा 56, 2 जा 112 into 11 करना, फटाफट कर दिया, 1 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, और लास्ट में 2, ये आंसर आ गया। तो यहां पर मेरी जो ट्रिक काम आई वो 11 की ट्रिक काम आई इस कैलकुलेशन में, सरफेस एरिया ने वॉल्यूम की। नेक्स्ट में देखते हैं क्या काम आएगा, यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, सर लाइन तो हम लोग ऑयल लेंगे, आप मत लगाओ, चलो ठीक है। इसको देखते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 10 लगा सकते हैं, पहले इसको ही काट देते हैं, ये खत्म कर दिया 5 से, और ये खत्म कर दिया 2 से, और ये खत्म कर दिया 11 से, 11 बच गया, 11 उधर, 12.5 plus 7, 19.5, 19.5 को 195/10 लिख सकता हूँ। 10 को नहीं छेड़ेंगे, 10 को मत काटो, 10 कटेगा दोबारा पॉइंट की दिक्कत होगी, नीचे जो जीरो होती है उनको मत छेड़ा करो, अगर वो पूरा कटता है तो काट दो, नहीं जीरो रखो, क्योंकि जो भी ऊपर आंसर आएगा एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना? तो 12 और 7 19.5, अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से आती है, क्या मल्टीप्लाई, देखो 195 को 11 से करना हो तो हमें आता है 1 1 और 9 10, 10 की 0 1 कैरी, 9 और 5 14, 14 का 4 1 कैरी, फॉर लास्ट में 5, 5 4 1 2, ये आ गया, और ये 10 नीचे है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 2 1 4.5 इज द आंसर। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यहाँ पर 11 की ट्रिक यूज की, यहाँ पर भी 11 की ट्रिक यूज की। तो भाई ऐसा नहीं है जो चीजें करवा रहा हूं वो यूज नहीं होंगी, वो काम आएंगी, आएंगी ही आएंगी। अगर आपने कुछ स्पेशल बनना है या कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने हैं या बोर्ड में फुल मार्क्स लेने हैं, तो वो बोलते हैं ना, रावण ने बोला था, रावण बोलता था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना, जब भी मैदान में जाओ अपनी पूरी शक्तियों के साथ जाओ, ऐसा मत सोचो कि दुश्मन हल्का है और थोड़ी सी हल्की सी तलवार ले जाते हैं, नहीं, अपनी पूरी शक्तियों के साथ जाओ। तो जब बोर्ड में जा रहे हो तो अपनी पूरी शक्तियों के साथ जाओ। हाँ भाई, मुझे कंसेप्ट भी आते हैं, मैंने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की हुई है, मेरे को कैलकुलेशन भी आती है, तो बचा क्या, सिर्फ अब तो एग्जामिनर मुझे 80 out of 80 दे दे और मैं खुश होता हुआ बाहर आऊं, और मैं रसगुल्ले लेके आऊं, खिलाऊं अपनी मम्मी डैडी को। फिर पापा ने मुझे बोला था, बेटे 80 out of 80 पे क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा बढ़िया वाला, है ना, तो फिर वो आईफोन मिलेगा, है ना, फिर वो ले लूं, खुश रहूं। चलो जो भी है, नहीं भी कुछ मिले तो माँ बाप के लिए वैसे ही करना चाहिए, वो बहुत कुछ करते हैं आपके लिए। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 550 एंड 500, देखो ये कैसे करेंगे। मान लिया 48 को 5 से डिवाइड करना है, 48 का डबल 96, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया 9.6, इज इट क्लियर? अब अगर इसके नीचे 50 होता तो 48 का डबल 96 है, अब नीचे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.965 आंसर आ गया। अब मान लिया मेरे पास ये 321 डिवाइड बाय 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 642, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। अगर 321 के नीचे 50 होता तो ये 642 था, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते, 6.42। अगर 321 के नीचे 500 होता तो इसका डबल 642 है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये आ गया 0.064, 0.642। तो इस तरह से आप 5 की, 50 की और 500 की कर सकते हो धुलाई, मतलब डिवाइड करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, समझ आ रहा है?
क्लियर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मान लिया आपको 1, 4, 2, 4 इसकी करना है, इस तो इसका डबल कितना आ जाएगा 28, 48 आएगा, और इसको मान लो आपको 5 से करना है, तो ये एक डिजिट छोड़ के ये आंसर आ गया बस। अब मान लिया इसको 50 से करना है, तो 2848 था ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब मान लिया इसी को आपको 500 से करना है, तो तीन डिजिट है, तीन डिजिट छोड़ के पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.848। बताओ क्या करना है आपको, ये चीजें आपको सीखनी है। आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ रैंडम कैलकुलेशन है, जहां जहां पे आप माइंड यूज कर सकते हो वहां वहां पे माइंड यूज करो, जैसे रैंडम कैलकुलेशन। देखो इतनी मेहनत करी है इस वीडियो में आपको, आपको सिखाने के लिए मेहनत करी है, प्लान करा है, समझा है चीजों को कैसे करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे वीडियो बनानी, क्या चीजें काम आएंगी। 8-10 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है, फिर मेरा क्या बनता है, सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छी लग रही है, कमेंट से जोश बनता है, और लाइक कीजिएगा। अब देखो इन सारी कैलकुलेशन को करना है, जहां जहां हम कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं वहां तो करो। अगर इतना ट्रेंड तुम 9th-10th में हो गए तो फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, SSC वगैरह की। अरे SSC वाले की तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 10th+2 वाले को पता भी नहीं होता, कहीं ऐसे होंगे देख लेना तुम्हारे आसपास, और अभी से तुम कर रहे हो उनसे कितना एडवांस हो रहे हो तुम। अब मान लिया इसको करना है 12 × 698 को, मैं 1 by 1 लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ। मान लिया मुझे 12 को 698 से मल्टीप्लाई करना है, तो ना 12 को 698 से मत करो, 12 को आप 700 से कर लो। तो 700 से अगर करेंगे 12 × 7 = 84 और 2 0 8400 आया। बट यहां पर बात समझो एक चीज समझो, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब 5 को मैं 6 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या 5 को 6 बार ऐड कर रहा हूं। देखो जैसे समझने की बात है, 12 को मैंने 698 से करना था, मैंने 700 से कर दिया, 8400 आया, बट मुझे तो 698 से करना था, मैंने दो बार ज्यादा नहीं कर दिया, क्योंकि मैं 12 × 698 को मैं 700 − 2 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैंने 7 से कर दिया 8400 आया, बट मुझे तो 698 से करना था, मैंने दो बार ज्यादा कर दिया, 12 × 2 = 24, दो बार और ज्यादा नहीं कर दिया, तो 24 माइनस कर देंगे, तो 8376 विल बी द फाइनल आंसर। इतना दिमाग लगाना सीखो भी कैसे करना है। अब मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, पहले 698 लिखूंगा फिर 12 लिखूंगा, ऐसे नहीं करूंगा इसको मैं, ये चीज ध्यान रखना। और एग्जांपल लेते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल है, और लेते हैं 1 by 1 सारे एग्जांपल लेंगे। 13 को 293 से करना है। अब देखो आप बोल रहे होंगे क्या सब में अप्लाई होगी, जहां जहां जो जो चीजें अप्लाई हो सकती है वो इस वीडियो में आपको लेके आ रहा हूं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आऊंगा। कोई डाउट हो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट करना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं उस आपके डाउट इस सेशन के, जो इस सेशन चल रहा है ना, इसके सेशन के डाउट की अलग से वीडियो बना दूंगा। 13 को 293 से करना है, 293 से मत करो, 300 से कर दो, 13 × 3 से कितना होता है 3900, बट 13 × 3 = 39, 3900 हो गया, बट मुझे तो 293 से करना था, तो मुझे तो 293 से करना था, मैंने 7 times ज्यादा नहीं कर दिया, 7 times ज्यादा हो गया, 7 times ज्यादा हो गया, यानी 13 × 7 = 91 ज्यादा हो गया, तो इसमें से अगर 91 माइनस करेंगे 3900 में से, तो कितना आ जाएगा 3809, ये आ जाएगा, समझ आया। देखो 3900 है, 91 माइनस करेंगे 3800 तो बचेगा, उस 100 में से 91 माइनस हो जाएंगे तो 3809 आ जाएगा। दोबारा से समझा देता हूं, देखो इसको 300 से कर दो, माइंड में करना है 3900, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, बट मुझे तो 293 से करना था, 7 times ज्यादा होगा, 13 × 7 = 91, तो इसमें से 91 91 माइनस कर दो 3900, इसमें पता ही है 3900 में से 91 माइनस करूंगा तो 3800 तो बचेंगे, उस 100 में से 91 चलेंगे 9, तो 3809, दिस इज योर आंसर। इस तरह से करना है। आगे चलते हैं।
मान लिया 35 को 22 से करना है, ये तो आप 11 वाली ट्रिक से कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, तो सिंपल है, 11 से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ये तो सिंपल है, 11 वाली से कर लो इसको। तो इसको 2 × 11 लिख दे, 35 × 2 = 70 और 11 को 70 से करेंगे 770 आंसर आ गया, ये तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं ये वाली, 25 को 26 से करना है। देखो 25 को अगर मैं 25 को अगर मैं 25 से करूं 625 आता है, बट मुझे 26 से करना है, यानी एक 24 और ऐड करना पड़ेगा। देखो 25 × 26 को मैं 25 प्लस 1 कर सकता हूं। अब देखो 25 को 26 से करना है, 25 को 25 से करो 625, बट मुझे 26 से करना है, तो एक और 25 ऐड करना पड़ेगा, तो 625 प्लस 25 650 इज द फाइनल आंसर। इतना दिमाग लगाना सीखो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी चेक द कैमरा। चलो आगे चलते हैं। अब 14 को 48 से करना है, 48 से मत करो, 14 को 50 से करो, 14 को 50 से करोगे मतलब 700 आएगा, कर सकते हो ना, 50 से तो बड़ा आसान है यार, 700 × 45 = 7700 आ गया, बट मैंने दो बार ज्यादा कर दिया, क्योंकि मुझे तो 48 से करना है, मैंने दो बार ज्यादा कर दिया, तो 700 में से 28 माइनस कर दो, तो ये 672 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। पेन भी नहीं उठाना है, माइंड में कर सकते हो आप इसको, सिर्फ आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं भाई, अब मान लिया 25 × 103 करना है, 25 को 100 से कर दो, 2500 तीन बार और करना है, तो 75 हो गया, तो 2575 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई, 24 को 96 से करना है, 24 को 100 से कर दो, माइंड में करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं, चलो आप माइंड में करने की प्रैक्टिस करना, 2400 आएगा, बट मैंने तो चार बार ज्यादा कर दिया, मुझे तो 96 से करना था, चार बार ज्यादा नहीं हो गया, तो भाई चार बार ज्यादा हो गया, तो 24 × 4 = कितना होता है, 96 होता है, चार बार ज्यादा हो गया, तो उस 96 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2304 विल बी योर फाइनल आंसर। बस इतना सा दिमाग लगाना है, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब 97 को 31 से करेंगे, कैसे करेंगे, 31 को 100 से कर लो, बट 31 को 100 से करेंगे 3100, बट तीन बार ज्यादा कर दिया, तो 93 माइनस कर देंगे, तो वो आपका आंसर आएगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करो कि क्या आंसर आएगा, क्लियर। तो इसी बात में लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती थी मेरी नानी, अच्छा क्यूब रूट की ट्रिक करेंगे, इसके बाद मैं बताता हूं आपको और क्या क्या सिखाने वाला हूं, बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है 9th-10th स्टूडेंट्स के लिए पूरे यूट्यूब पे। इसके बाद मैं आपको पाइथागोरस ट्रिप्लेस, डेसिमल मल्टीप्लाई, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, स्पीड टाइम, ये बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं इसके बाद। अभी ये वीडियो नियर अबाउट 1/2 hour और चलेगी, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब क्यूब रूट ट्रिक है, क्यूब रूट करना है किसका, 9261 का, अब मान लिया क्यूब रूट ये है, क्यूब रूट ये है, क्यूब रूट ये है मेरे पास, क्यूब रूट आपको याद, सॉरी क्यूब रूट कह रहा हूं, क्यूब है, क्यूब आप लर्न कर लीजिएगा 9th-10th के क्यूब लर्न कर लीजिएगा। अब देखो समझो बात को, बिल्कुल आसान है, तो स्क्वायर रूट से भी आसान है, जो इस उसमें क्या बनाया था, स्क्वायर रूट में हमने डबल बनाया था यानी पेयर बनाया था, इसमें ट्रिपल बनाएंगे, ट्रिपल नंबर का एक फॉर्म बनाएंगे, बना लिए, बाकी जो बच गया वो सिंगल है, कुवारा है बेचारा, कुवारा बेचारा, कोई बात, हम भी थे कुवारे कभी, चलो काम की बात करते हैं।
यहाँ पर वन है यूनिट, इसके प्लेस पे वन है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वन, वन कब आएगा, वन का क्यूब करने से वन आता है, तो इसके यूनिट प्लेस पे वन आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे वन देखना, और वन किसके क्यूब से आता है, वन के क्यूब से आता है, तो इसलिए इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे वन आएगा। अब ये देखना नाइन, नाइन किसके बीच में आता है, टू का क्यूब और थ्री का क्यूब, तो छोटे वाला लेंगे टू, तो 21 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। मान लिया 79507 इसका क्यूब रूट फाइंड करें, तो एक ये ट्रिपल बनाएंगे, ये अलग से डबल छोड़, ट्रिपल को देखो सेवन कैसे आता है, सेवन कैसे आएगा यूनिट प्लेस पे, इस यहां पे सेवन कैसे आएगा, देखो सेवन कहां से आ रहा है, अगर मैं थ्री का क्यूब करूं तो 27 आता है, तो यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा वहां पे थ्री होना चाहिए, तभी तो मैं इस थ्री का क्यूब करूंगा ये नंबर बनेगा, तो यानी सेवन कैसे आ रहा है, अगर मैं थ्री का क्यूब करता हूं तो सेवन आता है, थ्री का क्यूब 27, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो इसका क्यूब रूट आएगा उस पर थ्री आएगा। अब बचा 79 किसके बीच में है, फोर का क्यूब और फाइव का क्यूब, छोटे वाला ले लो, फोर का क्यूब सॉरी 64 होता है, तो फोर ले लेंगे, 43 इज द फाइनल आंसर। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अब डेसिमल मल्टीप्लाई भी थाउजेंड और डिवाइड, जैसे मान लिया आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे 3, 2, 4, 5 है, ये मान लिया 3, 2, 5, 1, 3, 2, 5 ये है, मान लिया डेसिमल यहाँ पे, और अगर मैं इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये नहीं करना, आप करके देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर को जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वो डेसिमल उतना ही जीरो राइट में चला जाता है, तो इसका आंसर 324.5 आ जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां पर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मान लिया 1000 से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल मल्टीप्लाई राइट, डीएमआर कर सकते हो आप मल्टीप्लाई में, मर्डर से याद हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, मर्डर हो गया। अभी एक बहुत बड़ी दुखी खबर थी परसों की कि सिद्धू मूसेवाला जो हमारे बढ़िया सिंगर थे, बहुत बढ़िया, काफी मोटिवेट करते हैं उनके गाने, ऐसी बात नहीं, बट जो भी वो सिंगर है वो अपनी सफलता की तरफ गया अपने उससे, और जिस तरह से लोगों ने वो मर्डर किया है वो गलत है, बहुत गलत है। हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना, बस कई बार तो बहुत दिमाग खराब होता है। वाकई में मेरा भी मतलब बहुत माइंड खराब हुआ, मतलब अपने आप आंखों में से पानी आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो छोड़ो उसको, ये बात हो गई, बट हम इसको ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, मर्डर से ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्लियर। और सेकंड थिंग, जब दो चीजें होती हैं तो अगर दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी हो तो एक याद करते हैं, दूसरा उसका उल्टा, दोनों को नहीं याद करते, ठीक है। ये मेरा एक फ्रेंड था अमित गोयल, उसने बोला था, मैं दोनों चीजें याद करता था, दोनों कंफ्यूज हो जाता था, उसने बोला जब दोनों एक दूसरे की उल्टी हो तो एक याद कर लो, दूसरी उसकी उल्टी। अब जैसे मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है तो आप डिवाइड में सोचने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड में अपने आप ये लेफ्ट में होगा। जैसे मान लिया मैंने करा 3, 2, 4, 5, 6 है, यहाँ पे है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया थाउजेंड से, तो ये डेसिमल यहाँ लेफ्ट में चला जाएगा, तीन डिजिट 1, 2, 3 यहाँ पे 3.2456 हो जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्लियर।
क्लियर, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं भाई। अब कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। कई बार एमसीक्यू आ जाता है या कंसेप्ट आ जाते हैं, आपको निकाल के देखने की नीड ना पड़े कैलकुलेशन में, आपको पता हो कुछ ट्रिपलेट, जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, 6, 8, 10 का बनता है, 7, 24, 25 का, 5, 12, 13 का बनता है, 20, 21, 29 का बनता है, 8, 15, 17 का बनता है। कितनी मेहनत की हुई है आपके लिए इस वीडियो में, इसका बनता है, इसका बनता है, इसका बनता है। तो भाई अगर आप ये ट्रिपलेट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रेडियस, अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन है, रेडियस 24 है, हाइट 7 है, तो स्लांट हाइट निकालो। अब ये कोन में ना ये स्लांट हाइट होती है, ये रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, आपको ये निकालनी है। अभी आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किया, 7, 24, 25 होता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई अगर 7, 24 वाला है तो ये हाइपोटेन्यूज का 25 है, आपको माइंड में आ जाएगा उसी टाइम में। देखो ऐसे आप कर सकते हो, आपको मान लो एमसीक्यू का आंसर देना है, सोल्व करना है, ठीक है, और आपको आंसर भी निकालना है, तो आपको पता होना, ट्रिपलेट आपको याद है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपको स्केयर भी लर्न होनी चाहिए, अगर आपको करना पड़ेगा 24 का स्केयर लर्न होना चाहिए, है ना, ये चीज है, छोटी छोटी चीज है। तो आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 7, ये भी चीज सीख लो आप, ये सीख लो, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं, एक क्वेश्चन भी है 9th क्लास में, नंबर सिस्टम चैप्टर में है कि भी अगर 1/7 की वैल्यू दे रखी है तो आपको 2/7, 3/7 बिना डिवाइड करे बताना है, तो वहां पर ये ट्रिक यूज हो सकती है, आपका टाइम सेव कर सकता हूं। देखो तो जब भी 1/7 ध्यान रख लो, ये होता है 0.14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 होता है, बट आपको 57 लिखना है, ये बार, ये ध्यान रखना, ये बार लगा दिया। अब अगर आपको 2/7 लिखना है तो आप उसमें 9th क्लास में ये करते थे 2 × 1/7 फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा नहीं करना, 2/7 सीधा ही ध्यान रखना है। इसमें सेकंड बड़ी डिजिट कौन सी है, पहली तो 1 है, दूसरी 2 है, तो आप 0.2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2, 8, 5, 7, 1, 4 और उसके ऊपर बार, ये 2/7 हो जाएगा। फिर 3/7 देखो थर्ड बड़ी डिजिट कौन सी है, 1, 2 उसके बाद 4 है, तो 0.4 से स्टार्ट हो जाएंगे, 4, 2, 8, 5, 7 दोबारा से 1, दोबारा से, इज इट क्लियर। अब मान लिया आपको 5/7 करना है, तो पांचवी बड़ी डिजिट कौन सी है, 1, 2, 4, 5, 7 है, पांचवी बड़ी डिजिट कौन सी है, 7 है, तो 0.7 के बाद दोबारा से 1, 4, 2, 8, 5 तो ये इसका बार, ये आंसर आ गया। अब 6/7 आपके लिए, ये कमेंट बॉक्स में राइट करना, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास, अब एक कैलकुलेशन दी पीछे, आप उसको करना, मान लिया 6 × 46 / 7 अब ये हमें पता है 7, 9 जा 63 अब 16 बच गया, तो 7, 2 जा 14 अब कितना बचा है, 2 बच गया रिमाइंडर, तो हमें पता है 2/7 की क्या ट्रिक है, इसको ध्यान में रख लेना, जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मोस्टली 7 की ट्रिक आएगी तो इस नंबर को लिख लेना, इसको, सॉरी इस वाले नंबर, ये लिख लेना, बस करने की जरूरत नहीं है। अब 92.2 बच गया, यानी 2 बच गया, तो 2/7, तो सेकंड बड़ी डिजिट कौन सी है, 2 है, तो उसके बाद 2, 8 आ जाएगा, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और 2, 8 भी मत लिख लो, आगे 8 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 92.3 अप्रोक्स आंसर लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता छोटी क्लास में पढ़ा था 2 डिजिट है उसको 1 बनाना है, अगला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो पिछले में एक ऐड हो जाता है, क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं। मान लिया और 577 डिवाइड बाय 7, 7, 8 जा 56, 1, 17 बच गया, 7, 2 जा 14 पॉइंट, अब 17 था, 3 बचा,
3/7 क्या होता है, थर्ड लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, 1, 4, 2, ये थर्ड कौन सी है, 4 है, तो बस 4 से स्टार्ट हो दो, 3, सॉरी यहाँ पे 3 बचा ना, तो 3 बचा रिमाइंडर, तो 3/7 हो गया, थर्ड डिजिट कौन सी है, 4, तो 4, 2, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 82.42, आपको आगे करने की नीड भी नहीं है, अगर 30 बनेगा फिर 4 आएगा, कुछ नहीं, ये चीज लिख लो, ये छोटी छोटी चीजें टाइम सेव करती हैं, भले ही छोटी हैं बट कॉम्पिटिटिव और जो जो क्रिएटिव माइंड होते हैं ना वो ये करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं 8th क्लास में IIT की तैयारी करने शुरू कर देते हैं, ऐसे होते हैं 8th क्लास में NTSC ओलंपियाड की बुक पढ़ने शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं 10th क्लास में SSC CGL की कैलकुलेशन करने शुरू हो जाते हैं। भाई कुछ स्पेशल बनना है तो स्पेशल करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में 9th-10th लेवल पे ये पहली वीडियो होगी पूरे यूट्यूब चैनल, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे अब यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन बच्चों को करनी आनी चाहिए, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी काम आती है, और भी जैसे 9th क्लास में भी काम आती है, और चैप्टर्स है हमारे 10th में भी काम आती है, हीरोज फॉर्मूला वाले में काम आ जाती है, ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन भी हमें आनी चाहिए, क्लियर। तो यूनिट कन्वर्जन का एक तरीका ये छोटा सा मैंने खुद बनाया, मैन मेड है, कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले, कल किलोमीटर, हमें हेक्टामीटर, द्वारिका डेकामीटर, में मीटर, देसी डेसीमीटर, संत सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर, बस मैन मेड है, मैन मेड मतलब मेरा मेड है ये, कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले, तो ये चीज आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो अब अगर आपको नीचे जाना होता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपको ऊपर आना होता है तो 10 से डिवाइड, जैसे आपको बताना हो कि एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो एक स्टेप और दो स्टेप, यानी एक स्टेप की एक जीरो, दूसरे स्टेप की दो जीरो, तो कितने 100 डेसीमीटर होंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहां इन तीन चीजों से ज्यादा बनता है, कह देते हैं मिलीलीटर में साइड दी हुई है और आपको सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी, मान लो तो एक मिलीलीटर में, मिलीलीटर यहां पे है, मुझे सेंटीमीटर में जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर इधर जाना है पीछे, तो एक जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब मान लिया साइड है मेरी 32 मिलीलीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 32 मिलीलीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिलीलीटर को 1/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, तो ये 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये चीजें आपको आनी चाहिए यार, ये कॉम्पिटिटिव में भी काम आती है, NTSC में भी काम आती है, तो ये देसी संत है हमारे, ये मिले ऐसे ऐसे ढोंगी बागा कहीं है जिन्होंने देश खराब कर दिया है, अगर बाबा बन रहे हो तो अच्छे ही बनो, वरना बनो ही मत, ठीक है ना। चलो उसके बाद चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। तो भाई आगे चलते हैं, अब कई बार यूनिट कन्वर्जन में ये आ जाता है कि ना आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज्यादातर यूज होता है, कि आपको ना कई बार वॉल्यूम दिया होता है, आपको वॉल्यूम दे दिया भाई, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, और आपको बोल देते हैं कि उसको लीटर में फाइंड करो या किलो लीटर में फाइंड करो, तो उसका रिलेशन देखते हैं, किलो लीटर मीटर का रिलेशन देखते हैं आपस में। ये मैंने आपको समझा दिया, आप 9th-10th में हो, आपको पता है भाई नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड, इतना आप मैंने एक बार गो थ्रू करवा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट हो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जैसे इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, मिस्टर चमन का लव, मिस्टर चमन का लव, चमन हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, मित्र है, मिस्टर चमन का लव, मिस्टर चमन मतलब मीटर क्यूब, का लव किलोलीटर, तो इस चीज से आपको ये ध्यान में रहेगा कि एक मीटर क्यूब में एक किलो लीटर होते हैं, मिस्टर चमन का लव से आपको ये ध्यान रहेगा कि
कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अब अगर 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होते हैं तो 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, ये भी ध्यान में हो गया। यानी अगर आपके पास वॉल्यूम आया कि 32 मीटर क्यूब वॉल्यूम आया है तो आपने उसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है तो 32 किलोलीटर आएगा, और अगर आपने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 32,000 लीटर आएगा 32 मीटर क्यूब का, ये मतलब है, समझ आया। अब ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना है, अब यानी यहां से मीटर मिस्टर चमन का लव से ये ध्यान रहेगा, और सेंटीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर की, और 1 सेंटीमीटर क्यूब आप ध्यान रखोगे ये 1/1000 लीटर के बराबर होएगा। 1/1000 को मैं 10^-3 भी लिख सकता हूं, ये 1000 लीटर के बराबर होता है। ये 1000 लीटर कैसे ध्यान देगा, मिस्टर चवन का लव से, मीटर क्यूब 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और ये चेंज भी कर सकते हैं, ये मैं आपको चेंज भी करके दिखा सकता हूं। जैसे मान लिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में, इसका मीटर इसका भी क्यूब कर दो, 1 मीटर क्यूब में 100 का क्यूब 60, 1 मीटर क्यूब में 1000000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के, आपको कन्वर्ट करना आना हो। सिर्फ मैं तो पता क्या, मैं तो ये ध्यान रखता हूँ मिस्टर चमन का लव, उसके बाद मुझे कन्वर्ट करना आता है, अगर सेंटीमीटर में लीटर निकालने हो सारा मुझे आता है। कैसे, देखो मैं को मीटर का पता था, सेंटीमीटर में कर दूंगा। अब ये देखो 30 से 30 कट जाएंगे, तो यहां से 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ गया 1 लीटर के, और यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 नीचे चला जाएगा तो 1/1000 लीटर के बराबर आ गया, वही आ गया 1/1000 लीटर को मैं 10^-3 लीटर भी लिख सकता हूँ, वही चीज आ चुकी है ना। बस ये पता होने चाहिए, इतना पता हो तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप। तो ये हो चुका है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब मीटर स्केल और हेक्टेयर में क्या रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मीटर स्केल और हेक्टेयर में क्या रिलेशन है, ये हेक्टामीटर। अब देखो 1 मीटर में, यहां पे चला गया 1 मीटर में, 1 2 ऊपर स्टेप जा रहा है तो 2 0 नीचे, तो 1/100 हेक्टामीटर होते हैं 1 मीटर में। अब अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, तो 1 मीटर स्केयर में 1/10000, 4 0 हो जाएंगे हेक्टामीटर स्केयर, तो 1 मीटर स्केयर में 1/10000 हेक्टामीटर स्केयर होते हैं, यानी हेक्टामीटर स्केयर को हम क्या बोलते हैं, हेक्टेयर बोल देते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, ये क्वेश्चन आप ये था कि 526,2500 मीटर स्केयर है, इसको हेक्टेयर में चेंज करो भाई, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्केयर में क्या होते हैं 1/10000 हेक्टेयर, तो आप क्या करोगे, इसको इस सारे को डिवाइड कर दोगे, सॉरी 526,2500 इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, ये 2 0 से 2 0 कट गई, पॉइंट यहां चला जाएगा, ये आ गया मेरे पास हेक्टेयर। और ये सारे क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने वीडियो बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें यूज हुई हैं। मेरा टारगेट अभी आपको क्रिएटिव बनाना, स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाना, और इट हैज बीन 10 ईयर टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स, एवरी डे आई लर्न न्यू थिंग्स, मैंने खुद भी नई चीजें सीखी हर दिन। तो भाई आगे चलते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। अब मान लिया किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें ध्यान रखना है
अगर मैं किलोमीटर से, यहाँ पर 18 और 5 का फंड है, बट वो कैसा है वो देखते हैं। मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब मैं बड़े से छोटे की तरफ जाऊंगा तो छोटा ऊपर आएगा, बड़ा नीचे आएगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाऊंगा तो छोटे की तरफ जा रहा हूं तो छोटा ऊपर आएगा, और अगर मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाऊंगा तो इसमें बड़ा ऊपर आएगा। जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको ऊपर रखना है, वैसे भी जिसकी तरफ जाएंगे उसको ऊपर रखना पड़ेगा, तभी तो हमारी सेवा करेगा वो। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड। पैन उठाने की नीड है यहां पे। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे से छोटा ऊपर रखेंगे तो 5/18 ऊपर रखेंगे, तो 18 × 5 = 25 मीटर पर सेकेंड। देखो, बड़े से छोटे की तरफ गए तो छोटा ऊपर रखेंगे 5/18। अब उसका उल्टा, मान लिया 25 मीटर पर सेकेंड है और उसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं तो बड़ा ऊपर आएगा 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 590 किलोमीटर पर। तो ये बातें पता होनी चाहिए, ये भी यूज हो रही है, ये सारी बातें, इतनी छोटी छोटी सी बातें, ये जो मैं सारे एक वीडियो में बना रहा हूं ना, इसका एक मैं स्पेशल से कोर्स बनाता हूं अपनी ऑफलाइन ट्यूशंस पे, 1 मंथ का या 1.5 मंथ का, 1,000 रुपए 1,500 रुपए पर स्टूडेंट की फीस होती है, और यहाँ पर मैं आपको ये फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको 162 इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, और आपको 120 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई विद 5 और 25। 5 और 25 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, जैसे मान लिया आपको 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, जस्ट आप क्या कर सकते हो, जस्ट इस नंबर का हाफ कर दो और पीछे जीरो लगा दो, 160 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब जैसे आपको 164 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का हाफ 82 और पीछे जीरो लगा दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब मान लिया जैसे आपको 92 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो आप क्या करोगे, 92 का हाफ कितना हो जाएगा, 46, तो 460 इज द फाइनल आंसर। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मान लिया ये तो भाई ये नंबर अगर ओड आ जाए तो क्या करेंगे, ओड में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 तो पीछे आएगा ही आएगा। अब ये 93 है, इसका एक माइनस करके जो नंबर आएगा उसका हाफ कर दो, एक माइनस करके 92 आएगा, 92 का हाफ 46, तो 465 आंसर आ जाएगा इसमें 465 आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे 52 है, इसको अगर मैं 5 से करता हूं तो 52 का हाफ 26260। अब अगर 53 आ जाए तो 5 तो पीछे आएगा ही, इस 53 में से माइनस 1 कर दो, 52 उसका हाफ कर दो, 26265 बी द फाइनल आंसर। ये चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब मान लिया 25 से करना है किसी नंबर को, तो 25 के केस में आप उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, जैसे 56 है तो 4 से डिवाइड होकर 14 आ जाएगा, तो 20 लगा दो। ये चीजें आनी चाहिए आपको, बाकी और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा ये चीजें। ठीक है, अब ऐसे कुछ नंबर भी होंगे यहां पर, ओड भी होंगे, इवन भी होंगे, इसको और डिटेल में बताऊंगा। 5 की बता दिया, उसकी प्रैक्टिस करना, इसकी जहां जहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो वहां प्रैक्टिस करना। मैंने आपको क्या बताया, 5 की मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 25 में आप यहां पे यूज कर सकते हो। देखो, अब आप क्वेश्चन आया यहां पे 52 से करा, ये तो हो गया, अब 53 से करा
तो यहाँ पे डाउट आया तो मैंने बता दिया पीछे 5 लिख देंगे, एक माइनस करके हाफ कर दो। ऐसे ही आप 25 में करना, आपको जहां जहां से 4 डिवाइड हो सकता है वो तो इजीली हो जाएगा, जहां नहीं हो सकता वहां पे पॉइंट लगेंगे। उसको कैसे करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करना, आपके लिए ट्विस्ट है, आपके लिए माइंड, आपको माइंड यूज करना है। और जहां डाउट आया बोला इस सेशन के कमेंट बॉक्स के, इस सेशन के जो डाउट है अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी, टेंशन मत लेना। अच्छा आपके लिए मैं दे देता हूं, आपको जैसे 112 इसको 25 से करना, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा आपको मैं 256 को 25 से करना, इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर, ये आप फटाफट बता सकते हो। क्लियर, और भी ज्यादा डिटेल में चलेंगे, 525 125 सब चलेंगे, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की ट्रिक है इतना, इस चीज का इतना ही, आगे और चीजें हैं, और चीजें सीखेंगे, आपकी डिमांड पर वीडियो बनाई जाएगी। अब अगर आप डेली 10 से 15 मिनट या तो अपने फ्रेंड से या खुद से, अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अपनी मैथ्स में महारत ही बनना चाहते हो, तो या तो 10 मिनट मिरर के आगे खड़े होके, आप खुद से मिरर के आगे ना ही खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बैठे बैठे बेड पे बैठे बैठे 10 मिनट का टाइम लगा लिया। अब बेड पे बोला तो बच्चे बेड पे ही ना बैठ के करें, चेयर पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो भाई, अपने माइंड में कैलकुलेशन ले ली, 25 इंटू 26 13 इंटू 700 ऐसे, 13 इंटू 698 ऐसे, 35 का स्केयर, 1024 का क्यूब रूट ऐसे, स्केयर रूट ऐसे करने सीखो, इतनी कैलकुलेशन ट्रेन हो जाएगी बिना पेन कॉपी उठाए, बिना कॉपी पेन उठाए आप करने लग जाओगे। समझ आ रही है बातें? और नहीं तो 10 मिनट आप अपने दोस्तों से गप्पे मारते हो, इतने गप्पे मारते हो, 10 मिनट दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ ऐसे बैठ जाओ, अब तुम गर्लफ्रेंड के साथ कैलकुलेशन करने बैठ जाना तो मतलब उनके बेचारी वो चलो छोड़ो इस चीजों को भाई, सीरियस चलते हैं, मजाक की बात अलग है। तो 10 मिनट अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं यार, आज कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे देखना तुम। प्रैक्टिकल चीजें हैं, अभी कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको लर्न कर लो, ये आइडेंटिटी भी मैथ्स में काम आती है, वो हर चीज है जो मैथ्स में काम आएगी, 9th-10th को पता होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ 8th वाले भी अगर ये वीडियो देख लेंगे ना तो वो आपसे एडवांस हो जाएंगे, और जो 10th में पहुंच चुके हैं, तुम्हारा तो 10th बोर्ड है तो तुम तो इस वीडियो को मत ही मिस करो। सॉरी, तो यहां तक के इतना ही, ऑल द बेस्ट। और हमारा सीजी फाउंडेशन टेलीग्राम पे चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि यहां पर आपको मैथ्स की सारी पीडीएफ मैथ्स की वहां पे मिलेंगे, मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, साइंस के भी कलरफुल नोट्स मिलेंगे, और साथ साथ में जो भी हमारी नोटिफिकेशन है चैनल की, वीडियो की, वो आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपके लिए मेहनत की है, आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।